आप देख रहे हैं एएनटी नेशनल, खबर वही जो हो सही। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिताः नमस्तस्मै नमो नमः। जय माता दी। नवरात्र के आठवें दिन हो रही है माँ महागौरी की पूजा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए आपको बताते हैं सफलता की राह दिखाने वाली माँ महागौरी की महिमा और उनके स्वरूप के बारे में। माँ का अष्टम रूप महागौरी का है। माँ के समस्त वस्त्र आभूषण और यहाँ तक कि उनका वाहन भी हिम के समान सफ़ेद या गौर वर्ण वाला वृषभ अर्थात बैल हैं। वस्त्र और आभूषण श्वेत होने के कारण भी श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। माँ की चार भुजाएं हैं, एक हाथ में डमरू और एक हाथ में त्रिशूल है तथा अन्य दो हाथ अभय और वर मुद्रा में हैं। माँ मनुष्य की प्रवृत्ति को सत की ओर प्रेरित करके असत का विनाश करती है। यह स्वरूप भक्तों को तुरंत और अमोघ फल प्रदान करता है। माँ की उपासना से भक्त के जन्म जन्मांतर के सभी पाप और उनके कलंक खत्म हो जाते हैं और मार्ग से भटका हुआ भी सन्मार्ग पर आ जाता है। भविष्य में पाप संताप निर्धनता दीनता और दुख उसके पास नहीं फटकते। माँ की कृपा से साधक सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी बन जाता है। जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है। जो स्त्री नित्य माँ की पूजा श्रद्धा भाव से करती है वे सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। कुंवारी कन्याओं को योग्य वर तथा पुरुषों को सुखमय जीवन तथा आनंद की प्राप्ति होती है। श्वेत वस्त्र धारण किए हुए माता भक्तों को पुत्रवत स्नेह करने वाली है। यह मंत्र बोलते हुए श्वेत वृषि समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचिः महागौरी शुभम ददत्यन्ना महादेव प्रमोददा महादेव प्रमोददा। इस मंत्र को बोलते हुए पूजा के बाद शहर शहद कमलगट्टे और खीर से हवन करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। नवरात्र के आठवें दिन पूजा अर्चना कर नारियल का भोग लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। मान्यता है कि इस दिन नारियल को सिर से घुमाकर बहते हुए जल से प्रवाहित करने से हर प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नवे दिन माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप और उनकी महिमा बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए एएनटी नेशनल।